हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होगे। तो गाइस यार, वापस आ चुका है तुम्हारा भाई एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग, जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रही है। ठीक है, इस टाइप की जो कुछ एडिटिंग होने वाली। तो गाइस, फोटो को एडिट करने से पहले वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाओ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हाँ, जितने भी बैकग्राउंड पीएनजी मैं यूज़ करूँगा उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइस हमने बैकग्राउंड को ऐड कर दिया है अपने पिक्सार एप्लीकेशन में। सो गाइस, ऐड फोटो पर चलते हैं अपने। ऐड फोटो पर जाने के बाद अपने को ले लेना है मॉडल का पीएनजी, तो मैंने ऐड कर दिया है मॉडल का पीएनजी। इसका बैकग्राउंड जो है मैंने पहले से इरेज कर रखा है। अगर आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड किस तरीके से इरेज करते हैं, तो उसके ऊपर जो है मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली जाकर वॉच कर सकते हो और आप सीख सकते हो कि बैकग्राउंड किस तरीके से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस हमने फोटो को यहाँ पर अच्छे से ऐड कर दिया है। फिर अपने चलते हैं एडजस्ट पर। इसकी जो ब्राइटनेस अपने बढ़ा देंगे, इसका कॉन्ट्रास्ट जो अपना हल्का सा बढ़ा देते हैं, देन इसकी सैचुरेशन जो इसे प्लस कर देंगे, देन इसे कर देना है सिंपल डन। सो गाइस, इसे डन करने के बाद अपने को क्या करना है, अपने इसे पूरी तरीके से डन कर देना है। देन आपको क्या करना है, आपको जाना है टूल्स पर, एडजस्ट पर जाना है, इसकी ब्राइटनेस को फुल माइनस करना है, इरेजर पर जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश खोलना है, ब्रश की साइज जो है माइनस करनी है, ओपेसिटी हल्की सी माइनस, हार्डनेस माइनस। देन आपको शैडो ड्रॉ करनी है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर जो है शेडो इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको इंक्रीज करनी है। तो इसकी जो मैं साइज थोड़ी बढ़ा लेता हूँ फटाफट, जो इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि अपनी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, सो गाइस मैंने जो यहाँ पर परफेक्टली शैडो ड्रॉ कर दिया है, फिर इसे कर देना है डन। देन इसकी ओपेसिटी आप यहाँ से देख सकते हो कितनी रखनी है, देन इसे कर देना है सिंपल डन। सो गाइस, इसे डन करने के बाद अपने चलते हैं ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद अपने को ले लेना है शैडो का पीएनजी, तो मैं ले लेता हूँ शैडो का पीएनजी, ये रहा। तो इसे जो आपको इस तरीके से नीचे से जो है खींच लेना है, देन इसकी जो ओपेसिटी हल्की सी माइनस करनी है, देन आपको यहाँ पर नीचे आपको लगा देना है, आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ। तो इसे आपको यहाँ पर लगा देना है परफेक्ट सेट करके, देने से कर देना है सिंपल डन। सो गाइस, इसे डन करने के बाद अपने चलते हैं टूल्स पर, एडजस्ट पर जाएंगे, इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, ब्रश पर जाना है, इरेजर को लेना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, देन इसकी साइज माइनस करनी है, ओपेसिटी हल्की सी माइनस एंड हार्डनेस माइनस। देन आपको क्या करना है, आपको जो है अपने फेस पर ब्राइटनेस इंक्रीज करनी है। ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो मैं फटाफट से जो है ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि अपनी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, सो गाइस हमने ब्राइटनेस जो इसकी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर दी है, इसे कर देना है डन। देन आपको यहाँ पर से देख सकते हो आपको कितनी इसकी ब्राइटनेस रखनी है, तो इसकी जो ब्राइटनेस है मैं 23 रख देता हूँ, फिर इसे कर देना है सिंपल डन। अपने फिर से चलते हैं एडजस्ट पर, इसकी जो ब्राइटनेस अपने माइनस करेंगे, इरेजर पर जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, ब्रश को लेना है, ब्रश की साइज इतनी रहने देनी है। ठीक है, देन इसे जो आपको यहाँ पर इस तरीके से ब्राइटनेस इंक्रीज कर देनी है थोड़ी सी, ठीक है, ताकि अपना ये जो सनलाइट का जो है अपने शर्ट पर इफेक्ट पड़े, ठीक है, व्हाइट कलर पर। देन इसे कर देना है डन। ओपेसिटी अपने थोड़ी सी कम कर देते हैं, तो फिर 16 तक के देने से कर देना है इसे डन। अब चलते हैं ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद अपने को क्या करना है, अपने को लेना है इस सन का पीएनजी, देने से जो है ब्लेंडिंग पर जाकर कर देना है स्क्रीन, आपको यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है, आप देख सकते हो, देने से कर देना है सिंपल डन। सो गाइस, इसे डन करने के बाद फिर से चलते हैं ऐड फोटो पर। तो ऐड फोटो पर जाने के बाद अपने को क्या करना है, अपने को ले लेना है फिर से इस सन का पीएनजी, देने से जो है ब्लेंडिंग पर जाकर कर देना है स्क्रीन, इसको जो अपने को रोटेट कर लेना है इस साइड, ठीक है, इस तरीके से कुछ। देन इसकी साइज़ जो अपने को इंक्रीज़ कर देनी है, देन आपको यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है, ठीक है, आप देख सकते हो, देन इसे कर देना है सिंपल डन। सो गाइस, इसे डन करने के बाद अपने चलते हैं एफएक्स पर।
एफएक्स पर जाने के बाद अपने चलते हैं शार्पनिंग वाले ऑप्शन पर। तो इसकी जो शार्पनिंग से अपने रख देंगे कुछ 75 रख देते हैं, दिन से कर देना है सिंपल डन। सो गाइस इसे डन करने के बाद अपने फिर से चलते हैं एफएक्स पर। तो फिर से चलते हैं अपने एफएक्स पर, देन इसका जो डॉजर वाला इफेक्ट लेंगे, देन इसे जो कर देंगे अपने कुछ 70 कर देंगे 69। देन इरेजर पर जाना है, ब्रश को लेना है। आपको क्या करना है, आपको अपने फेस पर से जो थोड़ा सा माइनस कर देना है। ओके सो गाइस हमने डॉजर इफेक्ट करो जो है अपने फेस पर से माइनस कर दिया। आप देख सकते हो अपने फेस पर जो है इस इफेक्ट का कुछ असर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसे अपने रख देंगे कुछ 65, दिन से कर देंगे सिंपल डन। सो गाइस अगर बैकग्राउंड में जो नॉइस हो तो प्लीज़ यार सॉरी, बैकग्राउंड के नॉइस को जो आप इग्नोर करना, ठीक है। देन इसको क्या करना है, अपने को इस इमेज को कर देना है सेव। अब अपने चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में, फोटो में जो है हल्की सी कलरिंग के लिए। तो फोटो को ऐड करते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। ओके सो गाइस हमने फोटो को ऐड कर दिया है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। अब अपने चलते हैं लाइट्स पर, इसका एक्सपोजर इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा 20 इंक्रीज करेंगे। देन इसका कॉन्ट्रास्ट जो अपने प्लस कर देंगे कुछ 12, इसकी हाईलाइट्स जो अपने प्लस कर देंगे, ठीक है, कुछ 38। देन इसकी जो शेडोज है इसने माइनस कर देंगे इसे कुछ 36। इसकी वाइटनेस अपने प्लस कर देंगे, इसकी ब्लैकनेस को जो हल्का सा माइनस कर देंगे, ठीक है। देन अपने कलर्स पर चलते हैं, मिक्स कलर पर चलते हैं। रेड कलर को हल्का सा प्लस कर देना है, ऑरेंज कलर को माइनस कर देना है, इसकी सेचुरेशन माइनस कर देनी है। देन इसे जो अपने प्लस कर देना है इसकी लुमिनस को, ठीक है। देन रेड कलर येलो कलर पर जाना है, देन इसको जो येलो कलर है इसे अपने को माइनस में कर देना है थोड़ा सा। इसका सेचुरेशन जो अपने माइनस प्लस कर देते हैं 39, इसका लुमिनस जो अपने माइनस कर देंगे कुछ 17। देन इसको क्या करना है, अपने को जाना है बाजू वाले ऑप्शन पर सियान ब्लू कलर पर। देन इसको जो प्लस कर देना है हल्का सा, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसे माइनस कर देते हैं, अरे भाई माइनस हो जा। तो अपने इसे माइनस कर दिया है -4, इसकी सेचुरेशन जो अपने बढ़ा लेंगे कुछ 30। देन इसका लुमिनस जो अपने माइनस कर देंगे 18। देन से कर देना है डन। देन आपको उसका टेम्परेचर बढ़ा देना है। देन इसका जो टिंट जो है अपने इसे प्लस कर देते हैं कुछ 9 के आसपास। इसका वाइब्रेंस जो अपने -5 के आसपास करेंगे। देन इसका सेचुरेशन अपने बढ़ा देंगे 8। देन इसके बाजू वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसका टेक्सचर माइनस करना है, इसकी क्लियरिटी जो बढ़ा देनी है, इसका डिजिट जो अपने को माइनस कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, -8। देन इसके विग्नाइट जो अपने माइनस करेंगे फिर 25। इसकी हाईलाइट्स बढ़ा देंगे, ग्रेन अमाउंट को कर देंगे अपने कुछ 4। आपको बाजू वाले ऑप्शन पर जाना है, इसकी शार्पनिंग बढ़ा देनी है कुछ 19 बढ़ा देनी है। देन इसका नॉइस आपको बढ़ा देना है, इससे क्या होगा अपने फोटो में जितना भी नॉइस होगा सब इरेज होगा, आपको दिख रहा होगा अपना फोटो जो है काफ़ी स्मूथ दिख रहा है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अपने को कलर्स पर जाना है, कलर नॉइस का प्लस कर देना है 14। देन इसका स्मूथनेस को जो अपने कर देना है 58। सो गाइस आप देख सकते हो अपना फोटो जो है पूरी तरीके से काफ़ी अच्छे से एडिट हो चुका है। देन अपने को क्या करना है, शेयर पर जाना है, एक्सपोर्ट एज, देन राइट। सो गाइस ये जो फोटो है अपना गैलरी में सेव हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, आपको कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली जाकर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड हाँ, जितने भी बैकग्राउंड पेन जी मैंने इस फोटो एडिटिंग में यूज़ करे हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।